नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय की एक राहत देने वाली अच्छी खबर तमाम स्टूडेंट्स के लिए और अभिभावकों के लिए कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। तमाम वो स्कूल जो जम्मू डिवीजन के हैं, समर जोन में फॉल करते हैं, उन्हें पहली तारीख से छुट्टियां हो जाएंगी, यानी कि समर वेकेशन जो हैं वो अगले महीने की पहली तारीख से, पहली जून से जो है उनकी शुरुआत हो रही है और 16 जुलाई तक रहेगी। डेट्स आप नोट कर लीजिए, 162024, यानी कि पहली तारीख से छुट्टियों की शुरुआत हो रही है और 16/7/2024 तक ये छुट्टियां रहेंगी। सभी सरकारी और रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स जो कि समर जोन में फॉल करते हैं जम्मू डिवीजन के, सभी के लिए जो है वो समर वेकेशन की घोषणा हो चुकी है। ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो इस समय आ चुका है। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और हमारे तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा और सभी जो टीचर्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो अवेलेबल रहें ऑनलाइन गाइडेंस के लिए इन छुट्टियों के दौरान। और एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ हेड ऑफ द स्कूल टीचिंग स्टाफ इन ऑब्जर्वेंस ऑफ द अबव शेड्यूल शैल अट्रैक्ट एक्शन अंडर द रूल्स, यानी कि जो आदेश है उसका पालन करना अनिवार्य है। और सभी के लिए ये एक अच्छी राहत की बात है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हीट वेव में इजाफा हो रहा था, गर्मी में कोई राहत नहीं है। पारा आज 44 के पार पहुंच चुका है, पार तो नहीं है लेकिन 44 तक पहुंच चुका है। 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो इस समय हो चुका है। और ये इस समय की बड़ी अपडेट है कि गर्मियों की छुट्टियां जो है उनकी घोषणा इस समय हो चुकी है और ऑर्डर भी बाकायदा जो है वो जारी हो चुका है। तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है कि जो छुट्टियों की वो मांग कर रहे थे, हालांकि स्कूल का समय बदला गया था, तमाम स्कूल्स को जो समय दिया गया था वो 12 बजे का था कि 12 बजे जो है स्कूल्स में छुट्टी हो जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मौसम में कुछ सुधार होगा, कुछ बारिश होगी और शायद जो 12 बजे का समय है वो थोड़ी देर और चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से हीट वेव का कहर लगातार पड़ रहा है, लगातार पारा जो है वो बढ़ रहा है और जो वेदर प्रेडिक्शन है जिसके मुताबिक अगले 7 से 8 दिनों तक कोई राहत नहीं है, और ऐसे में छोटे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात बहुत ज्यादा आने वाले थे। तो इन तमाम फैक्टर्स पर रिव्यू करने के बाद शायद ये फैसला ले लिया गया है कि जो भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन्हें अब राहत की जरूरत है और राहत इस समय छुट्टियों से ही मिल सकती है। तो पहली तारीख से छुट्टियों की शुरुआत हो जाएगी और 16/7/2024 तक ये छुट्टियां रहेंगी। टीचर्स के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है कि उन्हें ऑनलाइन अवेलेबल रहना है, कि अगर बच्चों के कुछ डाउट्स हैं तो वो उन्हें वहां पर उनके कांटेक्ट में रहें, बच्चों के डाउट्स जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और बाकी तमाम सरकारी और रिकग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स सभी इसमें आते हैं, कोई भी अगर इस ऑर्डर की अवहेलना करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मौसम बहुत हार्श है, बहुत टफ गर्मी इस साल सीजन में पड़ रही है। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल ये सोचता है कि वो बच्चों को बुलाकर यहाँ अगर बच्चों को वो एक्स्ट्रा कोचिंग देने की कोशिश करेगा इन छुट्टियों में, तो मुश्किलात जो है जाहिर सी बात है उनके बढ़ जाएंगे। तो फाइनली ये ऑर्डर इस समय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। छुट्टियां जो है वो पहली तारीख से पड़ चुकी हैं, पहली तारीख जो है वो छुट्टी होगी बच्चों को और 16/7/2024 तक जो है वो छुट्टी रहने वाली है। टीचिंग स्टाफ की अवेलेबिलिटी वो ऑनलाइन मोड आप कहें, क्योंकि ऑनलाइन गाइडेंस की ही बात की गई है, तो 16 जुलाई तक जो है वो आप लोगों को छुट्टियां हैं। पहली तारीख से ये छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, काफी राहत बच्चों को मिलेगी क्योंकि इस समय की जो हीट वेव है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है और इंटेंस हीट वेव कहीं ना कहीं परेशानी का सबब इस समय हर किसी के लिए बन रहा है, बेशक वो बुजुर्ग है, बच्चा है, क्योंकि मौसम की जो बेरुखी है जाहिर सी बात है वो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की तरफ सभी को लेकर जा रही है। और अगर आप इस समय डिहाइड्रेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें डिहाइड्रेशन हो रहा है, और जो हीट स्ट्रोक है जो उसका इनिशियल एक फर्स्ट लेवल होता है वो देखने को मिल रहा है। आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें की डिहाइड्रेशन की समस्या है। तो तमाम चीजों को देखते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने यह फैसला लिया है कि तमाम ऑल द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स फॉलिंग इन समर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन शैल ऑब्जर्व समर वोकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम
16204216. ऑल टीचर्स शैल रिमेन अवेलेबल फॉर एनी ऑनलाइन गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग वेकेशन पीरियड। तो टीचर्स को ऑनलाइन गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहना है, लेकिन छुट्टियों के फाइनली जो है वो अनाउंसमेंट यहां पर होती हुई एक बड़ी राहत स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को फाइनली मिलती हुई एक मांग थी बच्चों की, और कहीं ना कहीं जायज थी। जो मौसम इस समय बना हुआ है, जाहिर सी बात है बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और बच्चे अगर 12 बजे भी, क्योंकि 12 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था, तो अब 12 बजे भी अगर आप बाहर आते हैं तो सूरज का जो सनलाइट होती है, जो हीट उसमें होती है, वो बियरेबल नहीं होती है। और बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात है एक बड़ा चैलेंज था इस धूप में सुबह स्कूल आना और फिर धूप में स्कूल जाना, और हीट वेव का जो इंटेंस कहर है वो आप देख ही रहे हैं। तो फाइनली एक गुड न्यूज, एक अच्छी न्यूज कि स्कूलों में छुट्टियां जो है उनकी घोषणा हो चुकी है। समर जोन के लिए है जम्मू डिवीजन के, ये मैं बात स्पष्ट कर दूं, जम्मू डिवीजन के समर जोन के जो स्कूल है ये छुट्टियां उनकी है, और एक बड़ी राहत जो है वो यहां पर सभी को दी गई है। नमस्ते।